हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट में, इट और देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। हम पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में ही बताए हैं, सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बताए हैं कि उसमें जो है जिरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसको आप देख सकते हैं। और अब हम बताने वाले हैं आपको इट और देयर का प्रयोग, इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह कैसे होगा, और उसके साथ साथ हम दोहराएंगे जो पढ़े हैं अब तक, उसको हम दोहराएंगे। ठीक है, जो अब तक पढ़े हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, ये समाप्त होता है, सब्जेक्ट का पोर्शन जो है ये समाप्त होने वाला है। अब हम अगले वीडियो में प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ाएंगे, इसका एक्सरसाइज करवाएंगे, प्लस प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ाएंगे। तो इसमें पहले हम जो है इट और देयर का सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कैसे करेंगे उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद दोहराते हैं क्या हम पढ़े हैं, आपको क्या याद है उसको हम जांच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोहराना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाइए। ठीक है, अगर दोहराएंगे नहीं तो आपका पढ़ना व्यर्थ चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन हो जाएगा वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो ईट है, ईट आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल इसका अर्थहीन होता है अपने आप में, इसका कोई उस तरह से माने नहीं होते हैं, इसका बस बोलने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज ए नाइस वेदर, इट इज ए नाइस वेदर। आपने अपने दोस्त से कहा इंग्लिश में, पहले आप हिंदी सुनिए, कि आज अच्छा मौसम है। ठीक है, आज अच्छा मौसम है या अच्छा मौसम है। ठीक है, तो इसके लिए इट इज़ ए नाइस वेदर। वैसे तो इट का प्रयोग, इट का हिंदी अर्थ ये होता है, इट यह किसी जो है निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है बस न्यूट्रल है, ये अर्थहीन है, इसका उपयोग मात्र है, इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं लिया जाता है। इट इज ए नाइस वेदर, इज है ए एक नाइस, अच्छा वेदर मौसम, यह अच्छा मौसम है। ठीक है, यह अच्छा मौसम है, आप अपने मित्र से एक बोले इट इज ए नाइस वेदर, ये एक अच्छा मौसम है। ठीक है, आगे है इट वाज ए ग्रेट सीन, इट वाज ए ग्रेट सीन, इट वॉज ए ग्रेट सीन, वॉज मिस था, ए मिस एक ग्रेट, अच्छा बहुत अच्छा महान। ठीक है, या उम्दा किस्म का सीन दृश्य, यह एक अच्छा सीन था, अच्छा दृश्य था, ऐसा आपने कहा। आगे है इट इज़ वेरी प्लीजेंट, इट इज़ वेरी प्लीजेंट, इट इज वेरी प्लीजेंट, वेरी इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, प्लीजेंट मीन्स सुखदाई, सुखकर। ठीक है, यह है बहुत अच्छा है, बहुत सुखदाई है। ठीक ना, इट का प्रयोग ऐसे होता है। ठीक है, या आप कह देंगे, कह सकते हैं कि यह मेरी किताब है, या यह मैं हूँ, इट इज़ माइन, इसका अर्थ यह होगा, इसका इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग होगी मैं हूँ, इसका अर्थ हो ये होगा, इंग्लिश मीनिंग ये होगी इट इज़ माइन। ठीक, या इट इज़ माई सेल्फ। ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसे है इट इज़ वेरी प्लेजेंट, यह बहुत सुखकर है। इट इज़ ए बिग सिटी, इट यह इज़ है एक बिग, बड़ा, सिटी मीन शहर, यह एक बड़ा शहर है, यह एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं इट इज माई एम, इट यह इज है, माई मीन्स मेरा, एम मीन्स उद्देश्य, यह मेरा उद्देश्य है, इट इज माई एम, यह मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। ठीक है, उसका ये न्यूट्रल है, इट को आप न्यूट्रल मानिए। ठीक है, ना ये नाउन है, ना ही वर्ब है, ना ये किसी तरह का आर्टिकल है, ना जिरंड है, ना कुछ और है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसका उपयोग कर दिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे देयर, देयर
देयर का प्रयोग क्या है? देयर देखो, देखिए आप, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी मीन्स परिचय देने का, बताने का, इंगित करने का, इंगित करने के लिए ही है इंट्रोडक्टरी, ठीक है, किसी का परिचय देने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए है। देयर वॉज ग्रेट किंग, देयर वॉज ए ग्रेट किंग, ठीक है, देयर वॉज ए ग्रेट किंग, वहाँ एक महान राजा था, ये आप नहीं कहेंगे, ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट किंग, देयर मीन्स वहाँ, वैसे होता है अर्थ, लेकिन यहाँ ये इंट्रोडक्टरी है, ये बस इंगित करने के लिए, परिचय देने के लिए है, ठीक है, कि एक महान राजा था, ऐसे तो हो नहीं सकता। यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह है, ये देखिए प्रयोग किया जा रहा है इट, ठीक, जैसे यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट की तरह, ऐसे यहाँ देयर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था, ठीक है, तो ये बस परिचय देने के लिए है, नहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे वॉज ए ग्रेट किंग तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वॉज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था, ठीक है, यहाँ पे देयर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो गया, ये वॉज ए ग्रेट किंग, ये प्रेडिकेट हो गया। आगे है देखिए, अगला उदाहरण हम देखते हैं, देयर आर ग्रेट चेंज, देयर आर ग्रेट चेंज, आर हैं ग्रेट, अच्छे, बहुत बड़े, महान, चेंज परिवर्तन, यहाँ बहुत अच्छे परिवर्तन है। जैसे आप जो है शहर में रहते हैं, शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, या अपने माँ पिता के साथ हैं आप शहर में, गांव में गए आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, तो फिर कहते हैं अपने दोस्त से, ठीक है, या पड़ोसी से, देयर आर ग्रेट चेंज इन द विलेज, ठीक है, हमने बस छोटा ही लिखा है, आगे नहीं बढ़ाया इसको, गांव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ के लिए भी देयर जो है सब्जेक्ट की भांति प्रयोग होगा। आगे है, देयर इज ए न्यू कार, आप अपने दोस्त को दिखाते हैं, देखो मेरी नई कार है, ठीक है, पापा मेरे जो है नई कार लिए हैं, आओ बैठो, तुमको दिखाते हैं, उसमें कितना बढ़िया है, लंबी लंबी सीट है, देखो क्या उसमें है, एसी है, ये सब सुविधाएं हैं उसमें, ठीक है, महंगी है बहुत, ठीक है। तो आप इंग्लिश में अगर कहते हैं देयर इज ए न्यू कार, देयर इज ए न्यू कार, ठीक है, तो ये नई कार है, तो यहाँ भी देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी प्रयोग हुआ है, परिचय देने के लिए इसका प्रयोग हुआ है, ए न्यू कार, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे है, देयर आर फ्यू बर्ड्स, देयर मीन्स वहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी है, हम आप बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्टरी है, आर फ्यू बर्ड्स, आर मीन्स हैं, फ्यू मीन्स कुछ पक्षियाँ, कुछ पक्षियाँ हैं, जैसे आप कह सकते हैं देयर आर फ्यू बर्ड्स, आप ऐसे कह सकते हैं, ये आप उदाहरण है आपका, देयर इज ए कार, देयर इज ए न्यू कार, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं देयर इज ए न्यू कार, तो बताने के लिए है, देयर बताने के लिए है सब्जेक्ट प्रयोग किया गया, तो वहाँ देखो नई कार है, एक नई कार है, देयर आर फ्यू बर्ड्स, वहाँ पक्षी हैं, वहाँ पंछियाँ हैं कुछ, ठीक है, तो ये हो गया आपका इट और देयर का प्रयोग, ठीक है। अगर हम इट को इसमें परिभाषित करना चाहें, डिटेल में बताना चाहें, नोट करने के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इट का प्रयोग न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ये किसी तरह का, किसी तरह से जैसे ना ये संज्ञा होता है, ना प्रोनाउन होता है, ना सर्वनाम होता है, ना वर्ब होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये बस अर्थहीन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। देयर क्या है, देयर इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी है, देयर इंट्रोडक्टरी है, किसी चीज़ को बताने के लिए है, इंट्रोडक्टरी किसी चीज़ को इंगित करने के लिए है। देयर इज ए न्यू कार, आप अपने मित्र से कह रहे हैं देयर इज ए न्यू कार, एक अच्छी कार है, वहाँ पे एक नई कार है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं इस सेशन के अंतर्गत, हम देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा उसको दोहराया जाए, हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, उसको रिवाइज किया जाए, दोहराया जाए, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता होता है,
सब्जेक्ट कर्ता होता है किसी वाक्य में, वह उस वाक्य का सबसे हेड होता है, उसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वाक्य में उसी के बारे में वर्णन होता है। बिना सब्जेक्ट के, बिना कर्ता के कोई वाक्य नहीं होगा। जब उसमें कोई कार्य करने वाला रहेगा ही नहीं तो किसके बारे में बात किया जाएगा, किसके बारे में कहा जाएगा कि फलाने ने ये काम किया या फला व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, ये सब चीज़ें नहीं बताई तक जा सकती ना। तो इसमें सब्जेक्ट जो है आवश्यक होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम हो सकता है, नाम तो होगा तो वो संज्ञा होगा, अगर नाम है तो क्या होगा, नाउन है। अगर देखिए नाउन में क्या क्या आता है, नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, नाम होता है किसी व्यक्ति का, नाम होगा स्थान का नाम होगा, गुण होगा, ठीक है, जैसा कि आप परिभाषा जानते हैं, ठीक है, गुण होता है, जैसे ईमानदारी हो गया, ठीक है, नाम में अगर कहा जाए सीता रीता चंद्राम श्याम, ठीक है, ये सब जैसे आपके आपका नाम हो गया, ठीक है, तो वो नाउन है, आपका नाम नाउन है, आप नाउन है, ठीक। गुण जैसे ईमानदारी हो गया, ठीक है, ईमानदारी बेईमानी अच्छाई बुराई, ठीक है, गुण हो गया। किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम ये भी नाउन होता है, स्थान का नाम, जैसे आप प्रयागराज कह सकते हैं, ठीक है, बनारस कह सकते हैं, आगरा कह सकते हैं, कानपुर कह सकते हैं, ये क्या है, ये स्थान है, एक स्थान का नाम है। आपके गांव का नाम वो भी नाउन है, ठीक है, आपके गांव का नाम, आपके स्कूल का नाम, नाम वो नाउन है, ठीक है, जहाँ पे वह स्थित है, तो ऐसे हो गया। और प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हो सकता है नाउन, आपने देख लिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन कैसे हो सकता है, जैसे उदाहरण से देखें हम, उदाहरण में कि ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो वहाँ पे जैसे अगर राम पत्र लिखता है तो राम तो नाउन रहता, फिर किसी का नाम रहता, ठीक है। अब नाम के जगह जैसे उदाहरण आप देखिए, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, राम एक पत्र लिखता है, ठीक है, अगर राम को हटा करके आप यहाँ पे ही कर दें, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, अब राम की जगह क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, राम नाउन था, ये ही क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, ही सी, ठीक है, दे, ये सब ये प्रोनाउन हो गया आपका, ठीक है, जो नाउन की जगह उपयोग में आए, प्रयोग किया जाए, उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिरंड, जिरंड क्या होता है, जिरंड जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे वास है, वास मीन्स धोना, ठीक है, वास में अगर आईएनजी लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका ये जिरंड हो जाता है, ये जिरंड हो जाता है, ठीक है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में आपका क्या है, किसी वर्ड के, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब जैसे वर्ब है आपका रीड, आपने रीड ले लिया, उसके आगे टू लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, ये फिर इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, ठीक है, कि वह किसी वाक्य में सब्जेक्ट वही हो, कौन होगा, या तो वह नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या जिरंड होगा, या इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, होगा। फिर देखिए, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या हो रही है, अगर सब्जेक्ट की व्याख्या या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में उसकी विशेषता बताया जा रहा है, उसकी व्याख्या किया जा रहा है, कि जैसे अगर उदाहरण से देखिए, उदाहरण से देखा जाए, मैं इसको नंबर कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये पांचवा हो गया आपका। अब इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे देखिए कि किसी की व्याख्या की जा रही है, जैसे कि सीता एक लड़की है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो
दिखे। सीता इज ए गुड गर्ल, ये नंबर एक जो नंबरिंग किया हूँ मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, गुड गर्ल, ठीक है, गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की व्याख्या हो तब क्या होगा वो, ये अगर यहाँ पे क्या व्याख्या किया जा रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है, उसका गुण बताया जा रहा है, तब ये सीता, तब ये सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट तो है ही, कौन अच्छी लड़की है, सीता, तब ये नाउन होगा, ये हर हाल में नाउन होगा। जब किसी सब्जेक्ट की व्याख्या किया जाए, विशेषता बताई जाए, तो वह नाउन होगा। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि जब कोई अगर व्यक्ति है, सीता है या कोई और है, ठीक है, सोहन मोहन कोई हो गया, तो व्यक्ति ही तो अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये नाउन होना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति है तभी तो वो बेईमान हो सकता है, तभी तो वो ईमानदार हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, या फूल है, ठीक है, फूल है तभी तो वो सुंदर फूल हो सकता है, अगर फूल है ही नहीं या कुछ भी नहीं है तो उसकी विशेषता आप कैसे बताएंगे, आप विशेषता बता ही नहीं सकते। तो ऐसे हालत में जब सब्जेक्ट की व्याख्या किया जाए तो वह क्या है, हर हाल में नाउन होगा, हर हाल में वो क्या होगा, नाउन ही होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। आगे है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से हो, सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द से हो, देखिए अगर एक शब्द से व्याख्या की बात करें तो इसी उदाहरण को आप, चलिए हम दूसरा बताते हैं आपको, इसमें भी एक शब्द से, देखिए गुड अच्छा शब्द आया है सीता के लिए, एक ही वर्ड है ना, किससे बताया जा रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है। अब एक अलग उदाहरण लेते हैं, रवि इज ए क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय, रवि, रवि इज है ए एक क्लेवर, चालाक, समझदार बॉय, लड़का। यहाँ पे देखिए आपका एक ही शब्द है रवि को, जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट रवि है ही, अब आप जानने लगे होंगे कि ये सब्जेक्ट रवि है, इसमें ये क्लेवर एक शब्द से, ये एक शब्द से इसकी व्याख्या बताया जा रहा है, तब क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा, ये वर्ड क्या है, तब एडजेक्टिव होगा, जो विशेषता बताने वाला शब्द है ये आपका एडजेक्टिव होगा। जब कोई एक शब्द हो वह नाउन की, सब्जेक्ट की विशेषता बताए, तब वह एडजेक्टिव होगा, ठीक है। या अब आगे अगर देखा जाए, तीसरा, तीसरा, जब दो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक, ये हो गया, ये हो गया, इसको देखते हैं, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्द करें, जैसे उदाहरण देखते हैं कि सोहन इज वेरी गुड राइटर, गुड राइटर, सोहन है, इज सोहन, सोहन इज है वेरी माने बहुत, गुड अच्छा, सॉरी हाँ, देखिए इसमें जो है ये आपका उदाहरण, देखिए इसमें सही नहीं था, ये ए नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है, ये दो शब्द हो गए, ए क्लेवर, ठीक है। इसमें देखिए तीसरा वाला, ये जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो वर्ड करें, तो सोहन इज ए क्लेवर गुड राइटर, ठीक है, ए गुड राइटर, इसमें दो शब्द आपके प्रयोग हो गए हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पे आपका, डिटरमिनर हो गया ये, तब ये जो आपने पढ़ा है ये डिटरमिनर हो गया, ये आपका डिटरमिनर हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। जब अकेले आएगा तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर दो शब्द हैं तो उसके जो एक शब्द एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले वाला क्या होगा, वो आपका डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है।
आगे है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक से अधिक शब्दों से हो, तो उसका उदाहरण लेते हैं। जब कोई किसी शब्द का, जब ये वाला देखते हैं, जब सब्जेक्ट की व्याख्या अधिक शब्दों से हो, ठीक है, तो डिटर्मिनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये दो इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, हम उदाहरण देखा जाए, आइए। द गर्ल इन द रूम, द गर्ल इन द रूम इज प्रिपेयरिंग फूड, द गर्ल इन द रूम इज प्रिपेयरिंग फूड, वो लड़की जो कमरे में है वो खाना पका रही है। द गर्ल इन द रूम इज प्रिपेयरिंग फूड, लड़की जो कमरे में है वो खाना पका रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, गर्ल, गर्ल इन द रूम, गर्ल ये आपका नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। और इन द रूम, इन द रूम ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो लड़की कमरे में है वही लड़की, उसी लड़की की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। द गर्ल इन द रूम इज प्रिपेयरिंग फूड, वो खाना पका रही है, ठीक है, ठीक। द गर्ल इन द रूम इज प्रिपेयरिंग फूड, जो लड़की कमरे में है, रूम में है, वो खाना पका रही है। तो इसमें क्या है देखिए, और जानते हैं आप कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वह क्या होता है, नाउन के बाद आता है, ठीक है, नाउन के बाद आता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, और हमारी आपको एक सलाह एक ही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखें, ज़रूर तैयार करते जाएं, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, जो भी आप देख रहे हैं सबकी स्पेलिंग आप तैयार करते जाइए। अपने आप से शर्त लगा लीजिए, शर्त रख लीजिए कि हमें तैयार कर लेना है, उसको रिपीट कर लेना है। आप देखते रहेंगे लगातार, उस पर दिमाग दौड़ाते रहेंगे कि हाँ, वेदर है तो WEATHER वेदर, ठीक है, उसको बार बार दोहराएंगे, बार बार देखेंगे। दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं देना है, बोझ देने से कोई मतलब नहीं, बोझ देने से आपको याद नहीं होगा, आपका दिमाग परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको बराबर हल्के दिमाग से देखने की ज़रूरत है, और लगातार देखने की ज़रूरत है, निरंतर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि निरंतरता के बिना आप नहीं देख याद रख पाएंगे कोई चीज़, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।